जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज बहुत खुशी हो रही है देख के ग्रेट मिक्सचर ऑफ ओल्ड संगत एंड न्यू संगत। बहुत नई संगत आई, जैसे जनरल कपूर ने बताया कि गुरु जी हमेशा चाहते थे नई संगत आए। मेरे ख्याल में मैनी परिवार को सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि उन्होंने आज नई संगत बहुत अच्छे नंबर में अरेंज की है और वो गुरुजी से कल्याण करा के जाएगी। नई संगत के लिए मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी समझता हूं बताना। ये मत समझिए कि हम जो लोग इधर आके गुरुजी के बारे में कुछ कह रहे हैं उनका प्रोपेगंडा कर रहे हैं। जहां हम उनके बिठाए हुए स्पोक्स पर्सन हैं, जहां गुरुजी चाहते थे कि ये फलान फलान आदमी आके नई संगत को इंप्रेस करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम अपने जिंदगी के वो अच्छे लम्हे, वो एक्सपीरियंसेस जो गुरु जी के साथ पहले गुजरे और अभी भी गुजर रहे हैं, उनको सिर्फ शेयर करते हैं आपके साथ। आप उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते करते उसमें क्या मैसेज लें, क्या विश्वास लें, क्या आप उसके ऊपर गुरु जी पे फेथ बनाएं, ये सब आपके ऊपर है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमें इतना फेथ हो गया कि आज अगर हम गुरु जी के बारे में जो भी बात करेंगे, नई संगत के लिए बड़े बायस्ड व्यू लगेंगे। वो कहेंगे कि ये आदमी जहां तो बौंदरा है, जहां हिप्नोटाइज हो गया है। तो मैं आपको पक्की बात बताऊं कि मैं भी सर्विस करता हूं, रोज ऑफिस जाता हूं, शाम रूटीन का काम करता हूं, मैं कभी हिप्नोटाइज नहीं हुआ। और आज तक क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरे को नौकरी में रखा तो बौंदरा भी नहीं हुआ। तो इसलिए सिर्फ यही कह सकता हूं कि गुरु जी के एक्सपीरियंसेस जो है हमारी जिंदगी में, जो जो हमने एक्सपीरियंस किए वो शेयर कर रहे हैं, आप उसमें से अपने तरीके से अपना मैसेज लीजिए, अपना फेथ बनाइए। मोनिका आंटी ने शुरू में बहुत इमोशनल होकर अपना सत्संग किया और दैट इस चीज का प्रतीक है कि हम वो सब चीजें जो हम अपने निकट संबंधियों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन जब संगत में आते हैं तो वो चीजें भी हमारी खुल के बाहर आ जाती है। हम कम से कम वो चीजों का आपके साथ शेयर कर लेते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं। जो संगत करने आता है, जो सत्संग करने आता है, कोई प्लान नहीं करके आता, रिटर्न स्पीच नहीं लाता, उसके मन में क्या भाव है वही बोलता है जो गुरुजी बुलाते हैं उसे। और इसलिए हमारे मन में देखो, मैं जब मेरे को कहा गया था आपने सत्संग करना है, मेरे मन में इतने एक्सपीरियंसेस है, मेरे को मालूम नहीं था आज 5 मिनट मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से एक्सपीरियंस आप शेयर करते जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो भी संगत यहां आती है, सत्संग के थ्रू एक मैसेज लेके जाती है। हर का अपना क्वेश्चन होता है, अपनी क्वेरी होती है, अपनी एप्रीहेंशन होती है, उसके मन में कई डाउट्स होते हैं। ये सत्संग उन सब डाउट्स को क्लियर करता है, क्लैरिफिकेशन देता है, और जो गुरु के साथ करेक्ट होते हैं उनको राइट मैसेज मिल जाता है। अभी तक जो आपने सत्संग सुने, खास करके बहुत सारे, और आगे गुरु जी के ऊपर बुक भी है, फेसबुक भी है, वेबसाइट भी है, सब जगह गुरुजी के बारे में ये चर्चा बहुत हुई है कि गुरुजी ने बहुत लोगों का कल्याण किया। कल्याण इन द सेंस कि उनके कैंसर ठीक कर दिए, उनकी हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दी, उनको नई लाइफ दे दी। लेकिन मैं उससे हट के थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने रोजमर्रा की लाइफ में हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को उस तरीके से अपना के उसकी वो प्रॉब्लम दूर की जो आम लोग समझ भी नहीं पाते। कम से कम मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा लंदन में था, गुरुजी ने उसको ब्लेस करके भेजा था, उसके साथ उसको लाइफ दी। एक दफा उसको अस्थमा का अटैक हुआ, उसको लाइफ दी। इसके साथ वो रोड क्रॉस कर रहा था, गुरुजी ने उसको खुद उठा के बचाया। मतलब स्पीडिंग कार के नीचे भी कुछ स्क्रैच नहीं आया। ये छोटी बातें हो गई क्योंकि इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई। लेकिन मेरे को जो बड़ी अजीब बात लगी कि जब उसने अपनी एजुकेशन खत्म करके नौकरी वहां शुरू की तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। एक साल के बाद वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी मैं वो नौकरी छोड़ के नई नौकरी ज्वाइन कर रहा हूं, और नई नौकरी इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी, इतना नॉन स्विस बैंक कि मतलब उसके लिए लोग तरसते हैं कि नौकरी मिल जाए। तो इसने आके कहा, गुरुजी मैं वो ज्वाइन करने लगा हूं। गुरुजी कहते, दफा हो जा। वी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ दफा हो जा। मोस्ट ऑफ यू मे नॉट सी। हम सोचे गुस्से में गुरुजी ने बोल दिया, पर ऑब्वियसली इसका मतलब यह था कि ब्लेस नहीं हुए। जहां गुरुजी के ऊपर जो दफा हो जा मीन जो आफत आपके ऊपर, जो आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही उसको दफा कर दिया। हर तरह की इंटरप्रिटेशन संगत से मिली, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। मेरा बेटा बहुत परेशान कि मैं तो बहुत खुश था, जाके गुरुजी को कहने आया था कि आज मेरे को ये वाली नौकरी मिल गई
और गुरु जी ने कहा जा दफा हो जा। एनीवे टाइम बीतता गया, उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। 6 महीने ही हुए थे अभी, प्रोबेशन में था, कुछ हालात ऐसे बने कि उसका बॉस के साथ नहीं जैसे क्लिक कर पाया या कुछ उसके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लग गए, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। हम बड़े ही अपसेट कि इतनी बड़ी अच्छी नौकरी और बच्चे को निकाल दिया गया। हमने कहा बेटा बहुत अपसेट नहीं हो तुम इंडिया वापस आ जाओ, यहां कुछ देखेंगे, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है, नौकरी तो मिल ही जाएगी। वो अपसेट था। 1 महीने बाद यहां पे आया और जिस दिन वो इंडिया पहुंचा विद इन नेक्स्ट 10 डेज पता चला कि उसी कंपनी के उसी बॉसेस जिसके साथ झगड़ा हुआ था इतने बड़े स्कैंडल में फंस गए कि सबके ऊपर इंटरपोल के अलर्ट शुरू हो गए, कंपनी में से उनको अरेस्ट वारंट निकल गए, सब लोगों को नौकरी से तो खैर निकालना ही था, सबको अपने पाले पड़ गए। गुरुजी ने किस तरीके उस बच्चे की रक्षा की कि ये बच्चा बहुत खुश है कि मेरे को इतनी बड़ी नौकरी मिली, अपने आप तो छोड़ेगा नहीं। गुरुजी ने उसको नौकरी से निकलवाया, विच इज अदरवाइज एस पर्सन। वही मैं कह रहा हूं कि सत्संग जब करते हैं ना हर चीज ओपन बोल देते हैं। गुरुजी ने उसको वहां बचाया और उसके बाद इंडिया भेज दिया कि ये तो बिल्कुल नया था, कल को इसकी इंक्वायरी होगी, इंटेरोगेशन होगी, तूने क्या क्या किया इसको तो पता नहीं, इसको भेज दो, उसके बाद सारे का सारा स्कैंडल ओपन कर दो। तो इस तरीके की गुरुजी की महिमा, इस तरीके की गुरुजी की हमारे ऊपर बख्शिश रही। और नई संगत के लिए खासकर ये कि ये मत सोचिए कि जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे तब भी आप हम सबको उनकी महिमा और उनकी बख्शिश होती थी, आज तक हो रही है। और मैं आपको सबसे लेटेस्ट सत्संग शुक्रवार का बता रहा हूं, परसों का। ये एक बड़ा अजीब हादसा है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं सत्संग करूं, भाई मेरे को परिवार से परमिशन है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, पर गुरुजी से परमिशन लेके कर रहा हूं। एक लड़की है हमारे ही संगत से, उसकी अब्रॉड शादी हुई थी और कुछ कारणों के साथ जैसे होता ही अक्सर प्रॉब्लम एनआरआई की, द बॉय वॉज ऑलरेडी मैरिड, उसने वहां डिवोर्स किया, 2 एंगेजमेंट टूटी हुई थी, कुछ नहीं बताया था। इंटरनेट के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू ये मैरिज हुई, जब उसको जाके पता लगा उसको इल्ट्रीट भी किया गया, वो उसको छोड़ दिया, डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू होगी विद इन 6 मंथ्स। बड़ी परेशान थी, लड़का, लड़के के फादर, लड़के की मदर, लड़के के ब्रदर, सब लोग अमेरिका ही रहते हैं, कोई कॉज नहीं बनना था यहाँ पे, क्या करें, उसकी एक बहन और जीजा यहाँ पे है। इन्होंने लेने देना भी कई कुछ किया होता, आफ्टरऑल लड़की की शादी करते हैं जो आप शगन में देते हैं, जो भी जिस तरीके देते हैं, कभी कभी किसी के ब्लैकमेल टैक्टिक्स भी होते हैं, काफी खर्चा पैसा जूली दे रखी थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ये बड़े परेशान जब वापस आए तो इन्होंने सोचा कि उनकी सिस्टर वगैरह ने इमिग्रेशन कार्ड, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उनकी इंटरव्यू आ रही है, अगर वो भी चले गए तो यहां तो कोई भी नहीं होगा जिसके साथ हम लड़ सकें। और सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा था, अगर हम FIR लॉज कर पाए इस केस में कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो शायद हम उस की सिस्टर ब्रदर लॉ को रोक पाए, तो कम से कम डिवोर्स तो हो गया, हम अपनी रिकवरी कर पाए पैसे और ज्वेलरी की। इस संकल्प को लेके वो हमारे पास पहुंचे, कोशिश की संगत में सभी लोगों ने, मैंने जिस चीज को कॉन्टेक्ट कर सकता था किया, गुरु जी की कृपा से इतनी कोऑपरेशन मिली। अगर हमने पुलिस कमिश्नर को फोन किया ये मामला, उसने कहा मेरे घर आ जाओ, 1 घंटा वहां बैठ के चाय पी। अगर हमने किसी जज, हाईकोर्ट के जज साहब को बोला, उन्होंने कहा मेरे घर आ जाओ, या मेरे एक बहुत बड़े खुफिया महकमे के हेड एंड डायरेक्टर, मैंने उनको बोला, कहते मैं तेरे घर आ जाता हूं। इस तरीके कर करा के हमने वो जो जो भी कार्रवाई हुई, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन होता है जो फैसला करता है कि FIR लॉज हो सकती है कि नहीं, और उस केस में पुलिस कमिश्नर तक ने कह दिया था इसमें केस ही नहीं बनता, FIR लॉज नहीं हो सकती, और लड़की को गुरु जी का सुपना था तो फिक्र नहीं कर, और लड़की को गुरु जी पर पूरा फेथ था, परिवार को पूरा फेथ था। और ये फ्राइडे की बात है, परसों की, कि जो डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है दिल्ली गवर्नमेंट में, वो उसको जाके जब उसके फादर ने कहा कि आप फैसला कर दीजिए, लड़की भी डिप्रेशन में, कहते मेरे को लड़की से बात कराओ। कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई जिसको जानता नहीं उसको बात करके कहते बेटे तू फिक्र नहीं कर, तू ऐश कर। ऐसे मानो जैसे गुरुजी खुद बोल रहे हैं अपनी जुबान से। मेरे को ये, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूं इसलिए मैं बड़ा इमोशनल होकर कह रहा हूं, उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा, उस डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कहता है बेटा जा तू ऐश कर, और जब तू अमेरिका नेक्स्ट टाइम जाएगी मेरे लिए एक स्पोर्ट्स शू लेके आना। और ये गुरुजी अपनी संगत में अमेरिका वाली लोगों को कहते होते थे, किसने पूछना कि गुरुजी आप लिए क्या लाऊं, उन्होंने कहा एक स्पोर्ट्स शू ले आना। तो इस तरीके गुरुजी की मेहर हुई, और कल मंडे को FIR लॉज होगी, मैं आपको आज सत्संग कर रहा हूं, और इस तरीके की बख्शिश गुरुजी की सिर्फ बीमारियों तक, क्योरमेंट तक, एलमेंट तक सीमित नहीं है, आपकी रोज की जिंदगी के अंदर
ये आप अगर इसको समझ पाए, भाव समझ पाए, शब्द कीर्तन सुनते हैं आप, गुर पूरे मेरी राख लई, वो हमारी पूरी तरह से रक्षा करता है, पूरी तरह से हमारे साथ रहता है। सिर्फ हमें ही कनेक्शन बनाना है, हमारे में कमी कभी होती है। और जैसे कहा गया, जनरल कपूर ने अभी बताया, किसी ने कहा कि मैं शिरडी साईं बाबा होके आया, जब बाद में एक हफ्ता पहले किसी और महापुरुष के पास गया, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि आप इधर मत जाइए उधर मत जाइए। इसको मिसइंटरप्रेट मत करिए जनरल कपूर की स्टेटमेंट को, सिर्फ मतलब ये जिस पे विश्वास करिए पूरा विश्वास करिए। गुरुजी कहते थे ज्यादा अकाउंट खोलने से, ज्यादा व्रत रखने से आप गुरु के पास भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। एक पे फेथ रखो, एक पे विश्वास करो। और हम जो संगत यहां बैठी है उनका तो गुरुजी पे विश्वास है ही, तभी आए हैं। और नई संगत को गुजारिश है, एक दफा आप विश्वास करके देखिए, आपको वो मिलेगा, आप वो पाओगे जो आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। जय गुरु जी।